अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गर्मियों का बेहतरीन तोहफा है, जो गर्मियों का तोड़ फालसे का शरबत। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में फालसे का शरबत बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। मगर इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चलें तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बताती चलूँ हम लोगों को क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। यहाँ हमने लिया है फालसा, उसको धो लिया था हम लोगों ने। साथ में हमने लिया है नमक, पुदीना। पुदीने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्रेशनेस आती है, बहुत ही मज़े का बनता है, फ्रेशनेस बनेगा हमारा शरबत। साथ में हमने लिया है लेमन, और हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी 1 गिलास पानी की। सबसे पहले हम लोग फालसे डाल देंगे जग में, साथ ही डाल देंगे हम नमक, पुदीना डाल देंगे। पुदीने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही फ्रेशनेस, बहुत ही मज़े का। साथ में डाल देंगे हम 1 गिलास पानी, थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे चीनी, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। जब तक हमारा फालसे का शरबत तैयार हो रहा है, आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। बहुत ही मज़े का फ्रेशनेस सा हम आपको आज बनाना सिखा रहे हैं शरबत फालसे का, जो बहुत ही आसान है। जी नाज़रीन, 3 मिनट बाद हम देखें हमारा फालसे का शरबत बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसे हम छान लेंगे, अच्छी तरह छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी नाज़रीन, ये देखिए हम लोगों ने फालसे का शरबत बिल्कुल अच्छी तरह से छान लिया है। हमारा फालसे का शरबत बिल्कुल तैयार है, ठंडा हो चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का कलर, खूबसूरती और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर नेमत से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।